अरबों डॉलर खर्च करके किसी राजनेता की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। यही बीजेपी के पतन का कारण बन रहा धीरे धीरे। 1% पत्रकार मात्र है जो प्रोपोगंडा नहीं करते, उसमें एक जानी सम्मानित आशुतोष जी हैं और एक विजय त्रिवेदी जी हैं। आप कितना जहर गुगले हैं मोदी जी के विरुद्ध में, ये आपके पुराने सारे पाइप निकल जाएंगे, क्यों परेशान होते हैं? हमारी सीट 303 से घटकर यदि 240 हो गई तो हम मोदी जी हार गए। पत्रकार वो जो सत्ता से लगातार टकराता है, सत्ता को लगातार आलोचना करता है, सत्ता की चाटुकारिता नहीं करता है। आप जैसे ज्ञान दे दूंगा तो टिक नहीं पाएंगे टीम में, वहां खड़े होंगे। बस केंद्रीय मंत्री की आलोचना करके मुझे लगता है पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हो, चाटुकारिता नहीं करता, पता है? इसीलिए आप आम आदमी पार्टी में गए थे, चाटुकारिता करके गए हो। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो के एक और मेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता के बीच में। दोस्तों डिबेट में आशुतोष का कहना था कि इस देश में बहुत सारे पत्रकारों ने सच्ची पत्रकारिता ना करते हुए राहुल गांधी की इमेज डैमेज की है, लेकिन मैं हमेशा ईमानदार पत्रकार रहा हूं और हमेशा ईमानदारी से मैंने पत्रकारिता की है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा ने बोला कि अगर मैंने आपकी ईमानदारी की कहानी सुनानी शुरू कर दी तो आप डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। दोस्तों डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम है, देख लेना सर। ये आशुतोष, ये मुद्दा वाकई आपको लगता है ये राहुल गांधी की इमेज को कोई डेंट पहुंचा रहा है इस पर डिबेट करना या उनका प्रमोशन हो रहा है? राहुल गांधी को आपको अब सीरियसली तो लेना पड़ेगा और हर किसी को लेना पड़ेगा। स्मृति ईरानी ले रही हैं, कंगना रनौत ले रही हैं, बीजेपी ले रही, सब ले रहे हैं सीरियसली उनको। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं गंभीरता के साथ ले रहे हैं। स्मृति ईरानी जब अमेठी में हारी तब उन्होंने गंभीरता से लेना, और स्मृति ईरानी ने जो बात कही है उसको आपके चैनल पर चलाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो लोग उनको बालक बुद्धि की बात करते हैं वो बचकाने जैसी बातें करते हैं। तो अब वो इंटरव्यू अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। वो इस बात को बताने की कोशिश कर रही है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी को देखने का अपना तरीका बदलना पड़ेगा, और वो आज की जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति भविष्य की राजनीति। ओह माय गॉड, वाओ! भारत की राजनीति में पहला ऐसा उदाहरण है जब अरबों डॉलर खर्च करके किसी नेता की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। और मैं दोबारा कह दूं, अरबों डॉलर खर्च करके किसी राजनेता की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, और ये उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में राहुल गांधी एक सारी समस्याओं को तोड़ते हुए एक गंभीर नेता के तौर पर बीजेपी उनको लेने के लिए विवश है। अच्छा, ये जो कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड है ना राहुल गांधी को लेकर, यही बीजेपी के पतन का कारण बन रहा धीरे धीरे, कि आप सामने वाले को निकृष्ट साबित करने की कोशिश करिए, वो कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़े बड़े प्रोपेगंडिस्ट जो है ये सही है काम करते हैं, और इनको करना भी चाहिए, बिकॉज क्योंकि 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 ये प्रोपेगंडा अच्छा है। सवाल क्या है? सवाल जब मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की शान में एक शब्द ऐसा नहीं बोला, क्योंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करता हूं, और मैं राहुल गांधी का भी सम्मान करता हूं, मैं नरेंद्र मोदी का भी सम्मान लेकिन मैं उन लोगों की निंदा करता हूं जो सामने वाले राजनेता को निकृष्ट और कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड के साथ बात करते हैं। दिस इज कंडेमेबल एंड दिस शुड बी कंडेम। ओके, ऑलराइट। विजय जी आप कुछ कहना चाहते हैं? के पहले के शर्मा बोलिए, आलोक जी को बुलाइए जरा, टाइम खत्म हो रहा है। के शर्मा बोलिए। नहीं नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात अभी कही आशुतोष जी ने कि 99% इस देश के पत्रकार प्रोपोगंडा करते हैं, 1% पत्रकार मात्र है जो प्रोपोगंडा नहीं करते, उसमें एक जानी सम्मानित आशुतोष जी हैं और एक विजय त्रिवेदी जी हैं। ये तो ब्रह्म वाक्य बोलते हैं, ये प्रोपोगंडा में थोड़ा ना विश्वास करते हैं, ये जो बोलते हैं ब्रह्म वाक्य है इन लोग का। अभी इन्होंने कहा आशुतोष जी ने कि हजारों करोड़ डॉलर खर्च करके जो है इनकी राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की बात की गई, कोशिश किया गया। ये हजारों करोड़ डॉलर दे के हमने कहा था कि जाके सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय उसको जो है झूठे रूप से पेश कीजिए, ये राहुल गांधी ने खुद बोला है ना, ये हजारों करोड़ डॉलर लेके बोला है।
ये हजारों करोड़ डॉलर दे के उनको कहा गया था कि जाके विदेश में जॉर्ज सोरेस से बैठ के मीटिंग कीजिए जो भारत की लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहा है। ये हजारों करोड़ भारत ये किसने खर्च किए थे आशुतोष जी? और अभी आप कह रहे हैं किसी के विरुद्ध बोलना, आप कितना जहर गुगले हैं मोदी जी के विरुद्ध में, ये आपके पुराने सारे बाइट निकल जाएंगे, क्यों परेशान होते हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए इतना भी वो मत बनिए। विजय जी अभी समझा रहे थे बहुत कुछ कि कुछ किया हो ना किया हो, भारतीय जनता पार्टी को अपने मुद्दे पे लौटा दिया है। कौन सा मुद्दा था सर जिसको हम जिससे हम हट गए थे? अरे नहीं नहीं, आपके मुद्दे पर नहीं लौटा दिया है, कांग्रेस जाति के मुद्दे पर ले आई है। नहीं, आपका तो मुद्दा था ही नहीं कभी जाति। ना 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 ना, सुन माना, उनकी एक लाइन थी सर, उनकी एक लाइन थी, अरे हम राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को अपने मुद्दे पर लौटा दिया, अपने मुद्दों पर ले आए हैं वो। हाँ क्या राम मंदिर? हाँ नहीं, अपने मुद्दे मतलब हमारे मुद्दे की? नहीं नहीं, आपके नहीं, राहुल गांधी अपने मुद्दों पर ले आए हैं बीजेपी को, आप गलत समझ रहे हैं। उनका क्या मुद्दा, उनका क्या मुद्दा है? राहुल गांधी का मुद्दा आप मुझे बता दीजिए। अच्छा ओके, अब रुक जाइए एक सेकंड, वो वही तो सारे मुद्दे हैं। अरे के शर्मा, यही तो डिबेट हो रही है, वो अपने खुद कंफ्यूज है सर। अरे नहीं, अच्छा आशुतोष जल्दी से बोलिए, आशुतोष क्या कह रहे हैं? मैं राजनीतिक विश्लेषकों के विश्लेषण से कतई नाराज नहीं हूँ, लेकिन जवाब देने का हक मुझे भी उतना ही है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी कुछ जल्दी से बोलिए, टाइम खत्म हो जाएगा, जल्दी से बताओ, माना जल्दी से 200 हमारी सीट 303 से घटकर यदि 240 हो गई तो हम मोदी जी हार गए। और ऐसे चुनाव हारना जीतना कोई मतलब नहीं रखता, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीट 303 से 240 हो गई तो मोदी जी हार गए, ये इतना दोहरा चरित्र लाते कहां से हैं आप? समझ गया मैं। क्या आशुतोष साहब बोलिए, आशुतोष बोलिए, मानक आशुतोष, ये कौन सा विश्लेषण है आपका? आशुतोष ये दर्शकों को भी बताइए थोड़ा, राहुल गांधी चुनाव हार गए अमेठी में, वो सब हर चीज चलती रहती है। ओके, रुकिए ना, आशुतोष बोल रहे हैं, ओनली आशुतोष, 303 से आशुतोष, मोदी जी हार गए, बोलिए आशुतोष। ठीक, सत्ता में बैठे हुए लोग, सरकार, तीन बार की सरकार अगर किसी पत्रकार की आलोचना करती, बुराई करती तो मैं इसको तमगे के तौर पर देती, मुझे तकलीफ तब होगी जब के शर्मा के दुर्विचारों का जो है, एक मिनट के रुकिए ना, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, अरे रुकिए रुकिए ना, बोलने दीजिए, एक्सपोज करना, ओनली वन वन। ओके, के शर्मा का दिया गया एक एक शब्द मेरे लिए तमगा है, क्योंकि मैं सरकार की चाटुकार करने वाला पत्रकार नहीं हूं, मैं सेल्फी खोर पत्रकार नहीं हूं कि बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के साथ सेल्फी खिंचवाकर अपने फेसबुक डालू, जो डालते हैं मैं उनको पत्रकार नहीं मानता। पत्रकार वो है जो सत्ता से लगातार टकराता है, सत्ता को लगातार आलोचना करता है, सत्ता की चाटुकारिता नहीं करता। आपकी पत्रकारिता मुझे ज्ञान मत सिखाइए, आप अपनी पत्रकारिता, मुझे मुझे आपकी पत्रकारिता के समय भी मैं वही था, अगर आप मेरी तारीफ करेंगे तो मुझे आप मुझे तो टीवी में टिक नहीं पाएंगे, आप जैसे पत्रकारिता का ज्ञान दे दूंगा तो टिक नहीं पाएंगे टीवी में, भाग खड़े होंगे। आप जैसे प्रवक्ता जब गाली बता दूं तो भाग खड़े हो जाओगे आप। अरे रुकिए, आप कैसे यार आपस में क्यों लड़ रहे हैं, रुक जाइए एक सेकंड, एक दूसरे पर। शर्मा जी जब आप मुझे गाली देते हैं तो मुझे तो होती है यार, राहुल को भी तमगा मिला। रुक जाइए एक सेकंड, विजय त्रिवेदी रुकिए एक सेकंड प्लीज, रुकिए विजय जी, हमने सोचा था मीनिंगफुल डिबेट करेंगे राहुल गांधी की राजनीति पर, बदली हुई पॉलिटिक्स पर विश्लेषण होगा, आलोक जी उठ के चले गए, के शर्मा अलग नाराज हैं, आशु क्या कह रहे हैं जल्दी से 10 सेकंड क्या बोल रहे हैं आशु? मंत्रियों के साथ सेल्फी खिंचाकर मैं खुश होता हूँ, मैं केंद्रीय मंत्री की आलोचना करके मुझे लगता है मैं पत्रकारिता का धर्म निभा रहा हूँ, मैं चाटुकारिता नहीं करता, इसे शर्मा जी की बात को बुरा भी नहीं मानता मैं, वो मेरे लिए आपकी पत्रकारिता जीवन का अपना जो है ज्ञान बता रहे हैं। हाँ, मुझे पता है इसीलिए आप आम आदमी पार्टी में गए थे, चाटुकारिता करके गए हो। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं किसी योग्यता के बल पे नहीं। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए विजय त्रिवेदी, रुक जाइए, मुश्किल हो गया है किसी एक नेता पर डिबेट करना। हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद? तो
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।